बीएसपी। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय डिफेंस मिनिस्टर, माननीय होम मिनिस्टर और अन्य सभी मंत्रीगण, मैं अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने ये अपने सभी एमपीज, एमएलए, कार्यकर्ता, वर्कर्स, शुभचिंतकों सबको ये व्यक्तिगत रूप से उन्होंने करोड़ों की संख्या में जो है उनको डायरेक्शंस दिए हैं और उनसे अनुरोध किया है कि वो इस समय जो देश में आपदा आई है, इमरजेंसी आई है, इसको इसमें अपनी हर प्रकार से अपना योगदान देने का काम करें और ये निश्चित करें कि उनके अड़ोस पड़ोस में कोई भी ऐसा व्यक्ति न रहे जो कि भूखा रह जाए या जिसकी कोई मदद की जरूरत है उसको मदद न मिले, उसको मदद पहुंचाई जाए। और जो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों के निर्देश हैं उनको ध्यान में रखते हुए और उनका पालन कराते हुए और करते हुए ये सुनिश्चित करने का काम करें। और ये बात उन्होंने स्वयं आपसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी कही थी और व्यक्तिगत रूप से भी उन्होंने इस बात को कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो सांसदों की सैलरी की कटौती की है, जो केंद्र सरकार ने की है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं और हम लोग अगर जरूरत पड़े तो इससे ज्यादा भी जितनी भी जिसको उचित समझा जाए उसको अगर काटा जाता है तो उसका भी हम लोग स्वागत करेंगे। जहां तक मेडिकल फैसिलिटीज है उसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस आपदा ने हम लोगों को ये सिखाया है कि हम लोग कुछ चीजों में लैग कर रहे हैं और वो मेडिकल फैसिलिटीज में अगर लैग कर रहे हैं तो उसमें फ्यूचर में अगर कभी भी कोई ऐसी समस्या आए तो हमको ऐसी दुविधा में ना पड़ना पड़े। इसको ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है, मैंने माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से राज्यसभा में अनुरोध किया था और ये रिक्वेस्ट भी की थी कि इसको ध्यान रखते हुए कि मेडिकल फैसिलिटीज के लिए इन्वेस्टिगेशन की जितनी भी महंगी मशीनें होती हैं वो बाहर से इम्पोर्ट करानी पड़ती है और जब इम्पोर्ट होती है तो उसका इतना हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी होता है कि कोई भी अस्पताल, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसमें उसका वजन बहुत ज्यादा पड़ता है और इस वजह से चाहे वो कैंसर से वाली मशीनें हो, चाहे वो सीटी स्कैन हो, चाहे वो एमआरआई हो, चाहे एक्सरे वाला हो, उन सब में बहुत दिक्कत होती। लेकिन अब की बार जो ये इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो घटी तो नहीं लेकिन बढ़ा दी गई है। इस पर एक बार आप जरूर विचार करें क्योंकि जिससे कि हम लोग इस देश में इन फैसिलिटीज को बढ़ा सकें और हॉस्पिटल्स में बढ़ा सकें। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपने मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के लिए और वर्कर्स के लिए दी है वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। लेकिन इसके साथ साथ में इंश्योरेंस का जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड के लिए डिक्लेयर कर दिए गए हैं और जिसमें कोविड के लिए डॉक्टर्स वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे और वहां के वर्कर्स करेंगे, नर्सेस करेंगी, तो उनको भी इंश्योरेंस, इसी प्रकार से उनका भी इंश्योरेंस की फैसिलिटी होनी चाहिए। उनको ये ना महसूस हो कि हम वही कार्य कर रहे हैं और हमें इंश्योरेंस से कवर नहीं मिल रहा है। इसी के साथ साथ में जो पुलिस पर्सनल हैं और जिनको खास तौर से डॉक्टर्स और पुलिस पर्सनल्स को हम प्रणाम करना चाहते हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल करके इस सब एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, तो उनको भी इंश्योरेंस का पूरा कवर मिलना चाहिए जिससे कि वो भी अपना सिक्योर रहें और इंश्योरेंस मिलने से उनको काफी फायदा हो। मैं एक बात माननीय होम मिनिस्टर साहब से जरूर आग्रह करना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी आपके माध्यम से, और वो ये है कि इस समय चूंकि अदालतें बंद हैं, कोर्ट्स बंद हैं, तो जेल में जितने भी माइनर बेल्स हैं जिनका के अंडर ट्रायल्स हैं वो एक दो नहीं लाखों लाखों की संख्या में कैदी वहां पर हैं जिनके की मामले टेकअप नहीं हो पा रहे हैं और वो शायद पहली बार में उनको बेल मिल गई होती है वो बाहर होते और इस वजह से वो जेलों के अंदर बंद हैं। तो इसके बारे में कुछ तरीका जरूर निकाला जाए, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर जो बाकी स्टेट्स के हैं उनसे एक वार्ता करके एक तरीका निकाल करके उनको, चाहे इंटरिम बेल की बात करी जाए, जो और तरीका निकाला जाए, इसको कानून मंत्री जी के साथ में भी बात करके और इसका कोई एक तरीका निकालना चाहिए। जहां तक माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके संबंध में बात पहले ही कह दी गई, मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहूंगा कि हम उत्तर प्रदेश से हैं
और उत्तर प्रदेश के लाखों लाख लेबरर्स होते हैं वो पूरे देश में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे साउथ हो, सब जगह वो कार्य कर रहे थे। वो अचानक से उनको एक गलत फहमी सी हुई या जो भी हुआ कि अब हमको उनको घरों उनको काम से भी उनको हटा दिया गया, तो उनको एकदम से अपने घरों की तरफ पलायन करना पड़ा। उसके लिए जो सरकारें हैं, जो स्टेट की सरकारें हैं, उनकी तरफ से कोई आश्वासन जरूर ऐसे माइग्रेंट लेबर्स के लिए आना चाहिए कि उनकी नौकरी बरकरार रहेगी, जब लॉकडाउन खत्म होगा तो उनको वापस उसी स्थान पे दिया जाएगा, उनके वेजेस भी मिलेंगे, वरना ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए कि ये लोग फिर वहां जाने के लिए और स्टेट्स में काम करने के लिए तैयारी ना हो, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ में जो सब्जी मंडियों में हम लोग भीड़ देखते हैं टेलीविजन में लग जाती है और अचानक से लोग थोक व्यापारी आते हैं उठाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें अगर कुछ घंटे की जगह 24 घंटे अगर इनको खोलने की योजना बनाई जाए और 24 घंटे में पासेज इश्यू किए जाएं, एक टाइम स्लॉट फिक्स किया जाए कि इस टाइम पर इतने लोग आ सकते हैं और इनको उनको एक दिन पहले सूचना दी जाए, तो वो शायद भीड़ से हम लोग बच सकते हैं और वो जो एक डिस्टेंसिंग की जरूरत है, मेंटेन करने की जरूरत है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग उसकी हम लोग उसको कर सकते हैं। और इसी तरह से शहरों में भी, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, वहां पर भी इसी को फॉलो करते हुए और इसको तहसीलदार लेवल ही नहीं, एसडीएम को इसका हेड बना करके तहसीलदार और लेखपाल के को एक एक घर की जानकारी होती है, उसको इसमें अगर लाया जाए तो वो घरों की व्यवस्था भी समझ सकता है कि कोई गरीब आदमी भूख से तो नहीं मर रहा है या किसी और वजह से नहीं मर रहा। इसके बाद अंत में मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा कि जहां तक हॉस्पिटल्स हैं उनको बंद कर दिया, हॉस्पिटल्स में ओपीडी बंद है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी ओपीडी बंद है, तो ऐसी स्थिति में एक ये देखने की जरूरत है कि जो हॉस्पिटल्स में मरीज जो कोविड से नहीं संक्रमित हैं वो हजारों और लाखों की संख्या में है, वो लोग परेशानी का एक बहुत बड़ी समस्या उनके लिए खड़ी हो रही है कि हम कहां पर जाएं, हम अपना इलाज कैसे कराएं, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज हो, चाहे वो डिलीवरी के स्टेज में हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे हार्ट पेशेंट्स हो, तो इनके लिए कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। ये हेल्थ मिनिस्टर साहब और हेल्थ डिपार्टमेंट, मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा इस पे जरूर ध्यान दें और ध्यान देकर के इस व्यवस्था के बारे में भी कुछ निर्देश देने का काम करें। इसके साथ ही मैं आपको फिर से और पुनः धन्यवाद देते हुए ये कहते हुए कि लॉकडाउन का निर्णय आप लोगों को लेना है, पूरे देश की व्यवस्था को देखते हुए किस स्टेज में लॉकडाउन खुलना है, किस तरीके से खुलना है, पार्ट टाइम खुलना है, पूरा खुलना है, इस पे आपका निर्णय होगा और आपका निर्णय हम लोगों का सम्मान होगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस समय इतना समय निकाल करके हम सभी लोगों को सुनने का आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।